हेलो दोस्तों, मेरा नाम एम एस बाजा और आज हम बात करने वाले हैं वेन्यू SX मॉडल के बारे में। तो ये है भाई डीजल मॉडल। तो भाई डीजल मॉडल के अंदर भाई कंपनी ने क्या खेल खेल दिया अभी। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो अभी हो चुके हैं भाई क्रेटा के मुकाबले, बिल्कुल क्रेटा के बराबर आपको इसके अंदर BHP मिलती है। सो भाई इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, वो आपको अभी जनरेट करके देगा 113 Nm की BHP और भाई 250 Nm की टॉर्क। सेम आपको भाई क्रेटा जितनी पावर फिगर्स इसके अंदर अभी मिल जाती हैं। तो भाई सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्राइस। तो इसका आपको एक्सशोरूम पड़ता है 12,19,500 रुपये और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो अभी हम हैं डेराबसी पंजाब में, यहाँ पर आपको इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है 13,75,600 रुपये। तो भाई अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो भाई आपके एक सब्सक्राइब करने से चैनल को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, सो ज़रूर आप भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो आइए करते हैं शुरुआत इसके डायमेंशन से। तो डायमेंशन में लेंथ आपको जो इसकी मिलती है 3995 mm और विड्थ आपको मिलती है 1770 mm और हाइट आपको मिलती है 1617 mm। सो भाई बहुत ही बढ़िया डायमेंशन के अंदर गाड़ी आती है, आप लुक्स देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया आपको ग्रिल मिल जाती है, फ्रंट पे आपको डिज़ाइन दिखता है जो। सो लाइट आपको इसके अंदर मिलती है LED लाइट, साथ में आपको DRLs मिलते हैं, ऊपर आपको इसकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। अपडेशन के बाद में भाई बहुत ही बढ़िया ग्लोसी आपको इसके अंदर ग्रिल मिल जाती है, जो कि टॉप मॉडल से लेके भाई बेस मॉडल तक आपको सेम मिलती है। नीचे आपको कोई भी इसके अंदर डिफोगर वगैरह नहीं मिलते। तो अभी साइड पर चलते हैं, तो साइड पर आपको जो इंडिकेटर मिलता है वो इसको आपको मिल जाता है ORVM के ऊपर, और LED में आपको इसका जो इंडिकेटर मिल जाता है। बॉडी कलर में आपको इसके ORVMs मिलते हैं। और टायर सेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको 215/60 R16 का टायर मिल जाता है भाई, देखने में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे इसका डिज़ाइन मिल जाता है। और इसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि डिज़ाइन वाइज बहुत ही बढ़िया लगते हैं देखने में। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, A पिलर B पिलर आपको इसका ब्लैक आउट मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके अंदर आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अभी बात करते हैं व्हील बेस की, तो व्हील बेस इसके अंदर आपको मिलता है 2500 mm का। सो भाई व्हील बेस भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, जिससे अंदर आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। तो आप देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया आपको इसका अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने में लगता है। पीछे आपको कोई भी यहाँ पर डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, आगे ही आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो भाई एक फीचर इसके अंदर और भी बहुत बढ़िया मिल जाता है भाई आपको, यहाँ पे डोर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर भी भाई मिल रहा है इसके अंदर। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पे दिया गया है। अभी चलते हैं इसकी बैक लुक की तरफ। तो पीछे भाई आप देख सकते हो पीछे का लुक भाई अपडेशन के बाद में बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। सबसे ऊपर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना, उसके बाद आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है LED के अंदर, और डिफोगर आपको यहाँ पे मिल जाता है, साथ में आपको वॉशर यूनिट मिल जाती है, नीचे आपको वाइपर मिल जाता है। और भाई LED में आपको इसकी जो लाइट मिल जाती है, जो कि देखने में भाई बहुत ही बढ़िया लगती है रात में। और नीचे देखेंगे तो भाई आपको यहाँ पे SX की बैजिंग मिल जाती है, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में मिलता है हुंडई का लोगो और वेन्यू की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका रेयर कैमरा, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर और साथ में बैकलाइट। और भाई लुक्स आप देख सकते हो भाई, दो पार्किंग सेंसर इसके अंदर आपको कंपनी ने दिए हुए हैं। तो भाई ये था इसका बैक लुक। सो आपको बैक लुक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अभी बाहर का एक्सटीरियर हमने इसका कंप्लीट कर दिया लगभग। सो भाई एक यहाँ पे बचता है इसका पेट्रोल टैंक, तो पेट्रोल टैंक इसके अंदर आपको मिल जाता है 45 लीटर का। सो अभी बाहर का लुक भाई कम्प्लीट हमने इसका कर दिया है, तो अभी आपको लेके चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर से। तो यहाँ पे भाई दो कलर के अंदर आपको डोर मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लैक और साथ में ग्रीस कलर के अंदर आपको मिलता है इसका डोर। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ORVMs के कंट्रोल, फोल्ड अनफोल्ड के लिए यहाँ पे बटन मिल जाता है, साथ में लॉक अनलॉक का बटन, और साथ में आपको चारों पावर विंडो यहाँ पर स्विच मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट टच यहाँ पर नहीं मिलता। सो आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और वाटर होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा। सो अभी देखते हैं ड्राइवर सीट को। तो ड्राइवर सीट के अंदर भाई आपको सबसे पहले दिखाते हैं इसकी हाइट एडजस्टमेंट। तो भाई इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल रही है, आपको एडजस्टेबल यहाँ पे इसके हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सो इंटीरियर आप देख सकते हो भाई बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर मिलता है।
सो भाई ऐसी आपको यहाँ पे मिल जाती है इसकी स्मार्ट की। सो भाई लुक्स वाइज बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पे इसकी की देखने में लगेगी। सो भाई देखते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भाई आप देख सकते हो बटरफ्लाई डिज़ाइन मिल जाता है यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे लेदर रैप में इसका पूरा स्टीयरिंग व्हील। सो इसके ऊपर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं बटन्स के, उसके अंदर आपको वॉइस कंट्रोल का मूड्स चेंज करने के लिए, साथ में टेलीफोनिक के कंट्रोल, साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन, साथ में आपको यहाँ पे एलईडी स्क्रीन के अंदर भी इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। सो भाई डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा स्टीयरिंग व्हील का। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई फुली डिजिटल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो भाई काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे प्रीमियम फीचर इसके अंदर मिल रहा है, फुली डिजिटल आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, साथ में यहाँ पे लाइट लेवलिंग का बटन मिल जाता है। सो अभी देखते हैं इसका भाई स्टॉक्स को। तो स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल रही है भाई ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन। सो भाई ये भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पे रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर के लिए यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल रही है भाई 8 इंच की टच स्क्रीन, साथ में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले या इसके अंदर मिल जाएगा। नीचे आपको मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, साथ में नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसबी चार्जर, साथ में आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और चार्जिंग का सॉकेट मिलता है। 6 स्पीड का आपको यहाँ पे गियर नॉब मिल जाता है जिसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीछे कप होल्डर और साथ में आपको कॉइन के लिए यहाँ पे मिल जाती है स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पे भी मिलता है इसके साथ में आपको आर्म रेस्ट और स्टोरेज के साथ में। सो एडजस्टेबल इसके अंदर फीचर नहीं मिलता। अभी देखते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स के अंदर भाई यहाँ पे कूल्ड फंक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, साथ में आपको स्टोरेज भी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ स्टोरेज आपको बाहर भी मिल जाती है। सो ये है इसका पूरा डिज़ाइन। तो ऊपर देखते हैं तो भाई सनवाइज़र में आपको यहाँ पे मिल रही है इसकी टिकट होल्डर, सेंटर में आपको 2 लाइट्स मिल जाते हैं हेलोजन के साथ में। सो उसके बाद में यहाँ पे भाई जो बटन आपको दिख रहे हैं ये आपको मिलते हैं इसके भाई सनरूफ के लिए। सो भाई बहुत ही बढ़िया आपको प्रीमियम फीचर मिल जाता है सनरूफ का, सो आपको बाद में दिखाते हैं। तो दूसरे सनवाइज़र पे यहाँ पे आपको मिलता है इसका वैनिटी मिरर। सो ये है इसका सनरूफ का स्विच। सो भाई ये आप देख सकते हो भाई इसके अंदर आपको इसकी मिल जाती है सनरूफ और मून रूफ। सो भाई बहुत ही प्रीमियम फीचर आपको भाई इसके अंदर मिल रहा है SX मॉडल के अंदर। सो ये है इसका भाई पूरा डिज़ाइन, आप देख सकते हो भाई बहुत ही प्रीमियम आपको यहाँ पे फील मिलेगी इसके अंदर बैठ के। तो अभी देखते हैं बैक डोर। तो बैक डोर पे भी सेम आपको वही कलर थीम मिल जाती है, साथ में आपको भाई मिल जाता है पावर विंडो का स्विच, और कोई भी यहाँ पे भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता इसका सॉफ्ट टच। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल और बॉटल होल्डर मिलता है। भाई सीट्स की बात करते हैं तो भाई सीट्स के ऊपर भाई आप देखोगे तो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सीट की कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगी। तो भाई इसके अंदर देखते हैं अभी आर्म रेस्ट। तो भाई आर्म रेस्ट इसके अंदर आपको नहीं मिलता, तीनों आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर मिल रहे हैं। तो भाई पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स का ऑप्शन भी मिल रहा है, नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे अगेन मिल जाता है एक और रूम लैंप। तो भाई ये भी आपको हेलोजन में मिलता है, तीनों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इसके ग्रैब हैंडल। सो भाई लुक्स आप देख सकते हो पीछे से बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे इसकी लुक्स मिलती है, इसके डैशबोर्ड की देखने में काफ़ी अच्छा आपको प्रीमियम यहाँ पे फील जो मिल जाएगी। तो भाई पीछे देखते हैं इसके अभी बूट को। तो बूट की स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है भाई 350 लीटर की बूट स्पेस। तो साथ में आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है। नीचे आप देखोगे तो टायर में तो स्पेयर व्हील का साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है भाई 195/65 R15। तो भाई एक नंबर आपको छोटा है यहाँ पे इसके अंदर स्पेयर व्हील मिल रहा है। तो भाई 60/40 में आपको इसकी जो बैक सीट्स मिल जाती हैं, सो भाई स्टोरेज के लिए आपको बहुत ही बढ़िया रहता है, कन्वीनियंट रहता है। कोई भी आपको सामान रखना हो, साथ में बैठना हो, तो भाई आप एक सीट को फोल्ड करके भी रख सकते हो। तो अभी बात करते हैं इसके इंजन की। तो भाई इसके अंदर आपको भाई डीजल इंजन मिल जाता है 1.5 लीटर का, जो कि पावर फिगर्स के अंदर अभी क्रेटा के मुकाबले हो चुका है। सो भाई इसके अंदर आपको जो इसकी पावर मिलती है तो इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का U2CRD इंजन, 1493 cc का ये इंजन है, 113.98 bhp ये जनरेट करता है और 250 Nm की ये टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई पावर फिगर्स बहुत ही बढ़िया है, इसके अंदर आपको जो माइलेज मिलती है वो 20+ मिलती है भाई, 20 की क्लेम कंपनी करती है। सो भाई ऑन रोड आपको इससे ज़्यादा भी मिल जाएगी।
सूबा की अगर सिटी की बात करें तो भाई 17-18 तक आपको सिटी के अंदर भी इसकी माइलेज मिल जाएगी। सो गाड़ी आपको भाई कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, आप देख रहे हो अभी हुंडई वेन्यू का डीजल मॉडल। सो भाई ये है इसका SX मॉडल जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। इसके अंदर भाई आपको सारे भरपूर फीचर मिल जाते हैं, आपको टॉप मॉडल की तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो इसके अंदर ही आपको भाई सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि मैंने आपको रिव्यू के अंदर बता ही दिया है। सो आपको भाई गाड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद है तो भाई मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में। सो भाई मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।